तो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 का ये वीडियो नंबर 3 है, और जो दो वीडियो मैंने अपलोड किए उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट करके मुझसे अपने डाउट क्लियर किए हैं, और ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें आज हम नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और रोल ऑफ प्रॉफिट के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो नंबर 3। वीडियो तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मैं बहुत थोड़ी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करता हूँ ताकि आपको दोबारा मेहनत न करनी। नए हैं अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो ये वीडियो नंबर 3 और इसमें आज चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस का, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा, तब हम जान पाएंगे कि ये बिजनेस एक्टिविटी है, अदरवाइज वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं भी हो सकती है। तो हमें वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये बिजनेस है, ये बिजनेस हो रहा है, वो कैसे जानेंगे, उसके लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, और इसको देख कर आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये नेचर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, मतलब ये बिजनेस है। उसमें पहले लिखा है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में बताया है, शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी द एक्टिविटी विच आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट और लाइवलीहुड, ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है और अपने जीवन यापन के लिए की जाती है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में, मुझसे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर वहां पे हम कुछ इलीगल बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं तो क्या उसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे जबकि वहां पर भी पैसा कमा रहे हैं। तो वहां पे मैंने उसे समझाया बच्चे को कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको हम रेगुलरली करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, और उस एक्टिविटी का लीगल और सोशल होना जरूरी है, मतलब वो एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर रहकर और जो लॉ जिस चीज को परमिट करता है उन्हीं को करके अगर हम किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो हम लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। और लीगल एक्टिविटी में बिजी रहने का मतलब ही होता है बिजीनेस इज कॉल्ड बिजनेस, तो बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजनेस। तो इलीगल एक्टिविटी अगर आप करके पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो पहली बात तो बिजनेस जो कानून की नजरों में तो बिजनेस है नहीं, तो वो बस आप नंबर 2 का बिजनेस कर रहे हैं, फर्जी काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस दो ही चीज़ों का हो सकता है मेरे बच्चों, कई बार आपको बता चुका हूँ, या तो आप गुड्स को बेच के बिजनेस करेंगे तो आप सर्विसेज देंगे, आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टेंजिबल चीज़ों के जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको आप बनाकर बेचते हैं या आप उसे खरीद कर बेचते हैं, तो आप उसमें गुड्स को यूज़ करते हैं, गुड्स को खरीदते बेचते हैं। लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप टेलीकॉम की बात कर लीजिए, चाहे आप ट्रेवलिंग एजेंसी की बात कर लीजिए, चाहे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर की बात कर लीजिए, ये सब सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बिजनेस दो ही चीज़ों का है और उन्हीं चीजों को प्रोवाइड करना, लोगों तक पहुंचाना, और यही काम आप लगातार करते रहते हैं, लीगल होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर रह के किया जाएगा, तो उससे हम कहते हैं कि हम इन चीज में एंगेज हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, अच्छा ये बिजनेस हो रहा है। इसके अलावा लिखा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आप ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग है उसको आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस में हम उन सारी चीजों को यूज करते हैं जो बिजनेसमैन कस्टमर तक पहुंचा के कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन सेटिस्फेक्शन का मतलब हो गया कि हम जो भी काम करेंगे वो पब्लिक के लिए करेंगे, मतलब लार्ज में करेंगे, मतलब हर किसी के लिए, वहां पे कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई जातिवाद नहीं है, जिसको पसंद आएगा गुड्स वो बेचेंगे और वो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन है, मतलब हम अपने जो कस्टमर उनको बेच के उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। सेटिस्फाई कैसे होगा, जब वो गुड्स उसकी पसंद का होगा, वो सर्विसेज उसकी पसंद की होंगी, जिसे कस्टमर पसंद करता होगा। आप क्या बेचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर वो पसंद करता है जो कस्टमर को अच्छा लगता है। तो बिजनेसमैन को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उन चीज़ों का बिजनेस करे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, कि कस्टमर चाहते हैं कि ये हमें मिले जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बेचना चाहते हैं कस्टमर खरीदना नहीं चाहता, उसे बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का फेलियर हो जाएगा। बिजनेस में ह्यूमन सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ बनाएंगे उसे कस्टमर को, पब्लिक को सर्व करेंगे, उसके बदले में आप प्रॉफिट वगैरह लेके अपने बिजनेस को करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अपने खेत में कोई फसल पैदा की और उसको आप खुद ही पैदा करने के बाद अपने ही साल भर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर को यूज करते हैं, तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। आप उस फसल को पैदा करिए और मार्केट में बेच के पैसा कमाइए, तो ये एक्टिविटी आप बार बार करेंगे तो हमें इन चीजों में एंगेज रहना है। डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, मैंने आपको बता दिया रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। कुछ ऐसा गुड्स या ऐसी सर्विसेज जिसे आप एक बार देते हैं और उसके बाद कभी नहीं देते, या कभी कभी ऐसे दे देते हैं, जैसे बात करते हैं कि घर में कई बार न्यूज पेपर होते हैं ना, आप लोग पढ़ते हैं, उसका जो कई सारे जाते हैं, तो उसे हम कबाड़ी को बेच देते हैं, इसको बेचने से कई बार हमें पैसा मिल जाता है, क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है ना, ये तो बस एक बार 4-5 महीने में एक बार आपने न्यूज़पेपर इकट्ठे किए, घर का कबाड़ जिसे स्क्रैप कहते हैं उसे आप कबाड़ी को बेच के पैसा कमा लेते हैं। कई बार ना होता है घर वाले कहते हैं जाओ बच्चों बेच दो, और उसे बेच के हमारे पॉकेट मनी निकल आती है। तो ये जो कर रहे हैं इसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी लीगल का मतलब ही नहीं है, वो तो लीगली आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी रेगुलर नहीं हो रही है, और रेगुलर एक्टिविटी क्योंकि आपका पेशा नहीं है, आप यही काम बार बार नहीं करके पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए एक्टिविटी का रेगुलर होना जरूरी है। जब एक्टिविटी रेगुलर होगी तभी हम बोलेंगे कि ये बिजनेस है। मेन मोटिव प्रॉफिट
प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जिसका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है वो बिजनेस नहीं हो सकता है। कोई भी काम हो, मतलब आप वो लीगल कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वो काम अल्टीमेट उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है ना, तो वो बिजनेस नहीं हो सकता। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, आपने किसी को दे दिया सामान के ले जाओ ऐसे ही ले जाओ और प्रॉफिट नहीं है, या आपने जिस रेट में खरीदा था उसी रेट में दे दिया, आप यही काम करते, तो ये बिजनेस नहीं है। क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है आप प्रॉफिट कमाने का काम करेंगे और रेगुलर बेसिस पर करेंगे, सोसाइटी के अंदर रहकर करेंगे, लीगल वर्क करेंगे। तो प्रॉफिट अर्निंग होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और ऑब्लिक रिटर्न लिखा हुआ है। बिजनेस करेंगे तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों का रिस्क होता है और उस रिस्क को आपको कवर करते हुए ही चलना है। कोई भी ऐसा बिजनेस, अगर कोई बिजनेसमैन ये कहता है कि वो बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस में कोई रिस्क नहीं, तो वो झूठ बोल रहा है, उसको फिर बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। बिजनेस में रिस्क को हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, मेरी इस बात को फोकस करिए। बिजनेस में रिस्क को कभी भी हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस रिस्क को हम बिजनेस में मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं हम अपने गुड्स या सर्विसेज का, अपने बिजनेस का, अपने फैक्ट्री का, अपने मशीनरी का, अपने लोगों का इंश्योरेंस करा के, अपने लोगों का मतलब अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराकर हम रिस्क को कवर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब बिजनेस से बिल्कुल गायब कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिस्क होगा किन सब चीज़ों का ये देख लेते हैं। रिस्क आपके गुड्स और सर्विसेज के बिकने ना बिकने का हो सकता है। अरे क्यों नहीं बिकेगा, हमने बनाया है क्योंकि कस्टमर को वो गुड्स पसंद नहीं आया, कस्टमर आपके गुड्स को यूज़ करके सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, वो दूसरे गुड्स की डिमांड करने लगा है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, हमारा कॉम्पिटिटर उसी गुड्स को कम रेट पे बेचने लगता है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है जिसकी डिमांड कस्टमर ज़्यादा करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो कस्टमर किसी एक चीज़ को ब्रेक करके किसी दूसरी चीज़ को परचेस करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए रिस्क है। इसके अलावा बिजनेस में एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, गुड्स कहीं से आ रहा है रास्ते में, गुड्स खराब हो सकता है, भींग सकता है, तो ये सारी वजहों से हमारे बिजनेस में रिस्क है और रिस्क बना ही रहेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज टुगेदर, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा प्रॉफिट। रिस्क ये इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों ये आप टिक कर लीजिए भाई, इतना करना नहीं, आप देख के समझ जाते हैं कि बिजनेस है, लेकिन ये सारे ही नेचर हैं बिजनेस के। बिजनेस का नेचर मतलब है, बोलता ना इसका स्वभाव कैसा, तो ये बिजनेस का स्वभाव है कि एक्टिविटी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का लीगल होना, सोशल होना, लगातार होना जरूरी है, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज को लगातार बेच के वहां पे हम प्रॉफिट कमाएंगे और ये बिजनेस में रिस्क लेते हुए काम किया जाएगा, उसे हम कहते हैं बिजनेस। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम बिजनेस करने का उद्देश्य क्या है, क्यों बिजनेस कर रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है बिजनेस का, वो आप देख चुके हैं कि प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि बिजनेस का होल सोल एम, मतलब एक लौता एक मात्र एम बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है, तो वो बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल सही बात नहीं है। बिजनेस करने के अलावा हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव जो कोर ऑब्जेक्टिव है, जो दिख रहा है टॉप में है, वो प्रॉफिट कमाना ही है, क्योंकि भाई प्रॉफिट है, इतनी बेरोजगारी फैली है, हर किसी को पैसे की जरूरत है, और हम अपना खुद का बिजनेस करके अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो यही हमारे बिजनेस का मेन एम है। लेकिन बिजनेस का सिर्फ एक ही एम है या मेन एम प्रॉफिट कमाना, ये गलत है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। जो तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसमें पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल, और तीसरा है ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो हम अपना कोर ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल फैक्ट है, मैंने आपसे कहा कि अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बिजनेस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, बार बार बेचेंगे, बार बार खरीदेंगे, प्रॉफिट कमाते रहेंगे, और बिजनेस में प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस है। तो एक प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो मैंने तीन पार्ट में लिखा है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए बिजनेस करते हैं, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो शायद आपको जल्दी समझ आएगा। किसी गुड्स का जो कॉस्ट है, मैं इस किसी गुड्स को परचेस कर लेता हूं मार्केट से और उसको फिर सेल करता हूं, तो जब मैं परचेस करता हूं, जितने में मान लेते हैं 100 रुपीज में मैंने परचेस किया है, तो 100 रुपीज में परचेस किया, तो वो 100 रुपीज जो मैंने परचेस किया वो मेरी कॉस्ट है। अब अगर इसी 100 रुपीज में मैं सेल कर देता हूं तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब वो बिजनेस नहीं हुआ, नहीं, आपको प्रॉफिट का पोर्शन ऐड करना है और प्रॉफिट आप ऐड करेंगे उसी कॉस्ट में। तो 100 रुपीज में मान लेते हैं मैंने 30 रुपीज का प्रॉफिट ऐड कर दिया और उसे 130 रुपीज में मार्केट में सेल कर दिया, तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपीज, मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो है 130 रुपीज, मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जो 30 रुपये कमाते हो भाई, 30 रुपये तो बहुत प्रॉफिट कमाते हो, उसको आपको समझाना है देसी लैंग्वेज में कि भाई देखो 30 रुपये जो मैंने कमाए हैं, अब मैं कॉमर्स लेके पढ़ने लगा और मुझे अभी तक पता नहीं था, मुझे भी ऐसा लगता था कि 30 रुपये बिजनेसमैन का है, लेकिन उस 30 रुपये का बायफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं।
तो जो पहला 10 रुपए आपने कमाया है, आपको ऐसा मान लेना कि जो पहला 10 रुपए आपने कमाया है वो पहला 10 रुपए आपके लिए कहलाता है सर्वाइवल। मतलब जो आपने 30 रुपीज, आपको लगता था कि 30 रुपीज बिजनेसमैन कमा रहा, वो 30-40 रुपीज नहीं कमा रहा भाई, उस 30 रुपीज में से जो स्टार्टिंग के 10 रुपीज हैं वो तो उसने बिजनेस में ही खर्च कर दिए हैं। मतलब बिजनेस का सर्वाइवल, बिजनेस को जिंदा रखने के लिए किया जाने वाला खर्चा। जैसे बिजनेस जिस जगह पे है, बिल्डिंग का रेंट दे रहा होगा वो, तो बिल्डिंग का रेंट कहाँ से देगा, वो जो आपसे प्रॉफिट कमा रहा उसी में से देगा। उसने प्रॉफिट में से उसका बिल्डिंग का रेंट अलग कर दिया, उसने खर्चे काटे, तो उसमें बिल्डिंग का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर हो गया, टेलीफोन का हो गया, वहां पे वर्कर्स वर्क करते हैं, उनके सैलरी वेजेस का पेमेंट करना पड़ता है, बिजनेस में तोड़फोड़ होती है मशीनरीज में, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे 100 से ज्यादा खर्चे हैं जो बिजनेसमैन कर रहा है और वहां उस 10 रुपए से कुछ भी नहीं कमा रहा है वो। बस बिजनेस अगर वो नहीं करेगा खर्चे तो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मशीनरी में कोई तोड़फोड़ हो गई है, मशीनरी चलेगी तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, और रिपेयर नहीं कराएंगे तो मशीनरी चलेगी नहीं, जब मशीनरी चलेगी नहीं तो आप गुड्स को बना के बेच नहीं पाएंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस को चला के रखना है, मतलब उसके लिए सर्वाइव करने के लिए आपको, जैसे आप जीते हैं ना, आप लाइव आप आए हैं धरती पे तो आप जी रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं बार बार सर्वाइव करने के लिए, तो आपका जो पहला 10 रुपए है वो ऑक्सीजन जैसा ही है कि बिजनेस में बने रहने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कंप्यूटर बैठे हैं बिजनेस में, आपको लगता है कि चलो आज नहीं कल रिपेयर करा लेंगे, तो कंप्यूटर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो तुरंत हमें बिजनेस में जो ये सब चीजें होती हैं इनको तुरंत करना होता है, इसके लिए चाहिए होता है पैसा, और वो वही पैसा है जो हमने कस्टमर से लिया है शुरुआत के 30 में से पहला 10 रुपए। तो 10 रुपए बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, आप समझ चुके हैं। प्रॉफिट, क्योंकि भैया बिजनेस करना ही का मेन मोटिव अभी आपको पढ़ा दिया कि प्रॉफिट कमाना ही है, तो धर्म कर्म करने के लिए तो मैंने बैठा नहीं हूं यहां पे, तो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है। शुरुआत के 10 रुपए मैंने अपने बिजनेस में ही खर्च कर दिए बहुत बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, और अभी तक मैंने कमाया कुछ नहीं है। 30 रुपए में से पहला 10 निकल गया, अब बचे 20 रुपीज। तो जो सेकेंड 10 रुपीज है वो मैंने इसीलिए कमाया है कि मैं प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठा हूं। अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो ही पूरी नहीं होगी, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं। तो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना कंपलसरी है, और इसीलिए मैं बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा हूं लाइवलीहुड के लिए। मेरा भी परिवार है उसके पीछे, जो बिजनेस मैन है ये बोलेगा ना कि मेरा फैमिली है, मेरे उसमें बच्चे मेरे हैं, उनके लिए चाहिए मेरे को अपने जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, तो प्रॉफिट है। लेकिन मैं जिस लेवल पर बिजनेस कर रहा हूँ इसी लेवल पर बिजनेस आज से 10 साल बाद भी करता रहूँगा, नहीं 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 नहीं, ग्रोथ करनी है बिजनेस में, प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपको बिजनेस को लगातार बढ़ाना है। पहले छोटी सी दुकान होती है, फिर बिजनेसमैन की बड़ी बड़ी दुकान, और फिर काफ़ी ऊँची दुकान हो जाती हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज से वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कवर हो जाती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो जाती हैं वो। तो कहने का मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पाया, उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था पहला 10 रुपए बिजनेस में ही लगा दिया, दूसरा 10 रुपए अपने ऊपर खर्च किया, और तीसरा 10 रुपए जो बिजनेस का कमा रहे थे वो उसे खुद में खर्च नहीं कर रहे थे, वो बिजनेस में नहीं लगा रहे थे, मतलब बिजनेस के सर्वाइवल में नहीं लगा रहे थे, बल्कि उस 10 रुपए से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे, नई नई चीज़ों को ऐड कर रहे थे, नई मशीनरी लगा रहे थे, नई टेक्नोलॉजी लगा रहे थे, नए गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे ताकि बिजनेस में ग्रोथ कर सके, नई ब्रांच का सेटअप कर रहे थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रहे थे। ये सब मैं आपको बिजनेस की ग्रोथ के पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे बिजनेस की ग्रोथ को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, नई ब्रांच ओपन हो रही है, नया प्रोडक्ट का आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मार्केट में आपकी सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है, ये ग्रोथ का साइन है, और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपने बिजनेस में जो तीसरा 10 रुपए कमाया था उसे आपने अपने पास नहीं रखा, बिजनेस में ही लगा दिया किसी नए चीज़ को करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा होता नज़र आ रहा है क्योंकि आपने प्रॉफिट को वेल सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस में और अपने ऊपर खर्च किया है। तो पहला ये हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा है सोशल। मैंने आपसे कहा बिजनेस का होल सोल एम से प्रॉफिट कमाना ही है, बस प्रॉफिट कमाते रहो, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम रहते हैं सोसाइटी के अंदर में, सोसाइटी ब्रॉडर सेंस से, सोसाइटी के अंदर इंटीग्रल पार्ट है आपका बिजनेस। कोई बिजनेसमैन जिसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती है, उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है, उसकी फैक्ट्री बहुत चलती है, और वो इस ईगो में आ गया कि नहीं ये तो मेरे दम पे चल रहा है, सोसाइटी के लोग आते रहते हैं, मेरे पर फर्क नहीं पड़ता, तो वो गलत सोचता है। सोसाइटी ही है जिसने आपको परमिट किया कि भाई इस जगह पे तुम बिजनेस करो। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, बिजनेस तो मेरा खुद का है, मेरे खुद के घर पे बिजनेस मेरा, फिर सोसाइटी मुझे कैसी परमिट कर रही है। इनडायरेक्टली सोसाइटी ही आपको परमिट करती है बिजनेस करने के लिए, कैसे ये जानिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है लोगों के साथ में, कस्टमर आपको पसंद करते हैं, इसलिए वो आपके बिजनेस से गुड्स को परचेस करते हैं। अदरवाइज बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जहां से वो गुड्स को परचेस कर सकते थे, लेकिन वो आपके पास आते हैं क्योंकि आप उन्हें डिजायरेबल गुड्स, जो उनके काम का गुड्स है, वो एक रीजनेबल प्राइस पर उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उनसे अच्छे से बात करते हैं। अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करेंगे,
कस्टमर को लगेगा कि नहीं यार ईगो के में आ गया ये, या आप कस्टमर को वही गुड्स जो कॉम्पिटिटर आपके पड़ोस वाला दुकान वाला उसी रेट से कम रेट में बेच रहा है तो वो लोग वहाँ जाके ले लेंगे। तो आप भी रीजनेबल प्राइस पे ही बेचते हैं और स्टैंडर्ड का गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो लोग आपके बिजनेस से गुड्स को परचेस करना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी के मेंबर आपके पास आना ही छोड़ देंगे और आपका बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। तो मेरी बात को फोकस करिए कि सोसाइटी ही है जो आपको बिजनेस करने का भी आपको सिग्नल देती है और बिजनेस बंद भी वही कर देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सोसाइटी के लिए सोचना बहुत जरूरी है। वी टेक रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी सो वी मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सोसाइटी से ही सारे रिसोर्सेज लिए हैं मैंने क्योंकि सारे लोग अल्टीमेटली सोसाइटी समाज से जुड़े हुए हैं तो उसमें हमको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, गुड्स के साथ खिलवाड़ मत करो क्योंकि अल्टीमेटली आप जो गुड्स बेचने वाले हो सोसाइटी तक परोसने वाले हो, सोसाइटी उसको कंज्यूम करती है, उसको यूज़ करती है। अगर वो हार्मफुल गुड्स है सोसाइटी के लोगों के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। कोविड के टाइम आप लोगों ने देखा ना फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन, फर्जी वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? सोसाइटी के लिए इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, इससे सोसाइटी के ऊपर हार्म हो जाता है, सोसाइटी के लिए नुकसान हो जाता है। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे सोसाइटी को नुकसान हो जाए। सप्लाई करिए क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी गुड्स का मतलब हो गया उसमें मिलावट मत करिए, स्टैंडर्ड का गुड्स प्रोवाइड करिए और ये गुड्स आप प्रोवाइड करिए रीजनेबल रेट पे। मनमाना प्रॉफिट चार्ज मत करिए, प्रॉफिट को इस सेगमेंट को पूरा करिए। आपको लगता है कि आप बिजनेस में सर्वाइव कर रहे हो, ग्रोथ करने के लिए आपने प्रॉफिट कमा लिया तो ज़्यादा मनमाना प्रॉफिट मत कमाइए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो कंपटीटर आपको कम रेट में ही बेच रहा है, आपका बिजनेस वैसे ही बंद हो जाएगा। तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मत सोचिए और रीजनेबल प्राइस पे गुड्स को प्रोवाइड करिए सोसाइटी को। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस मत करिए, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे सोसाइटी में अनफेयर मींस हो, लॉ की नजरों में वो इलीगल हो। आप कम वेट करके मत दीजिए प्राइस में, एक जो प्राइस लिखा था उसके ऊपर आपने अपना स्टिकर लगा दिया, ये ओवर प्राइस करके मत बेचिए चीजों को। अडल्ट्रेशन मतलब आप मिलावट करके मत बेचिए चीजों को और सही तरीके से जो लॉ है, जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स को बेचिए, अवॉइड करिए अनफेयर प्रैक्टिसेस करने से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिजनेस करते हैं अकेले बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप मालिकाना हक आपका रहेगा, आप बिजनेस के ओनर जरूर कहलाएंगे लेकिन आपको सोसाइटी में एक ऐसा भी तबका है जो बेचारे खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, उनके पास फंड की कमी होती है, वो दूसरे के बिजनेस में नौकरी करते हैं, वहां पे वो काम करते हैं और अपने लाइवलीहुड को पूरा करते हैं। आप जब बिजनेस सेटअप करते हैं तो आप सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, आते हैं आपके बिजनेस में, बहुत सारे लोग काम करते हैं मुझे पता है, तो बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं, सरकार के पास इतनी जॉब नहीं है कि वो दे सके, तो आपने अपना बिजनेस सेटअप करके पहले तो अपने आप को जॉब दे लिया कि अब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये अच्छा काम आपने किया है। लेकिन साथ में आप उन लोगों को भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, कम पढ़े लिखे थे, आपने अपने बिजनेस में ले लिया या आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करके आप सोसाइटी को तो कर ही रहे हैं कि सोसाइटी को आप डिपेंडेंट कर रहे हैं कि आप अपने पैर में खड़े हो सको, साथ में आप कंट्री का भी भला कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की भी मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास में इतने नहीं है जॉब्स वैकेंसीज की वो पूरा कर सके, तो आप देते हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके। सोशल सर्विसेज भी आप करते हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके फ्री के स्कूल्स चलते हैं, जो बच्चे किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब रहते हैं, वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए स्कूल बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, बहुत सारे एनजीओज चलते हैं, इसमें वो बहुत सारा जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो अपने अलावा, गवर्नमेंट के अलावा वो खुद से फंडिंग करते हैं और गवर्नमेंट की नज़रों में भी आप अच्छे रहते हैं क्योंकि जब आप ऐसा काम करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको इस काम को करने के लिए प्रमोट करती है, टैक्स में आपको रिलीफ देती है। तो आपको ऐसे सोशल वर्क के साथ जुड़े रहना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वहाँ पर भला हो सके। आप फ्री में लोगों को एजुकेशन दीजिए, फ्री में कई बार वहाँ पर हम हॉस्पिटल खोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सोशल सर्विसेज करते रहिए, यहाँ का मोटिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है, इस पूरे का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन ये आपको काम करना है क्योंकि सोसाइटी के अंदर रह के आप कर रहे हैं। और अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन ये आपको करना है यार, पोल्यूशन बहुत तेजी से फैल रहा है, हम सब डेली बहुत सारा कचरा करते हैं लेकिन सालों से आप याद करेंगे तो आपने एक भी पेड़ नहीं लगाया। पेड़ लगाने का मतलब नहीं कि आप पेड़ लगा के पोल्यूशन दूर कर सकते हैं, आप जो इको सिस्टम है आप इको फ्रेंडली टेक्निक का प्रोडक्शन को यूज़ करिए। आप जिस गुड्स को बना रहे हैं उसको बनाने के बाद ज़्यादा वहाँ पे स्क्रैप निकलता है, ज़्यादा गंदा पानी निकलता है, आप उसे नदी में बहा देते हैं, स्मोक आपका धुआं काफ़ी निकलता है फैक्ट्री से, तो आप अपने प्रोडक्शन में ऐसी स्मार्ट गैजेट्स को, ऐसी टेक्निक को यूज़ करिए जिससे कि प्रोडक्शन हो भी और पॉल्यूशन भी कम हो। आप आजकल ऐसे ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं तो इको फ्रेंडली टेक्निक को यूज़ करिए। धुआं निकल रहा है ठीक है निकल रहा है लेकिन कम निकले, कम उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, गंदा पानी जो आप नदी में बहा दे रहे हैं उसको फिल्टर करके बहा दीजिए। तो ऐसा करिए तो आप इस तरीके से अवॉइडेंस करिए पोल्यूशन को और पोल्यूशन को दूर करेंगे तो आप लोगों के लिए तो बेनिफिशियल होगा। चारों तरफ जब फैल जाएगा धुआं तो उसमें आप भी तो उस धुएं को यूज करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो बहुत सारा पोल्यूटेड जो है चीजों को हम ले लेंगे। तो अवॉइडेंस करना है, इनको बचना है इन सब चीजों से।
इसके अलावा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है जिसे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से ही बनता है, क्योंकि बिजनेस जो हो रहा है उसको करने वाला रोबोट नहीं, उसको करने वाला ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक रिसोर्स है। सेम बिजनेस दो बिजनेसमैन कर रहे हैं, दोनों बिजनेस में सेम उन्होंने मशीनरीज लगाई है, सेम फैक्ट्री सब कुछ सेटअप है, लेकिन वहां पे एक चीज जो सेम नहीं है वो ह्यूमन रिसोर्सेज। एक क्या राम काम कर रहा है, एक क्या श्याम काम कर रहा है, एक क्या रामू का काम कर रहा है, एक क्या श्यामू का काम कर रहा है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में। लोग आपके बिजनेस में जो इंप्लॉयज हैं वो आपके बिजनेस में काम करना पसंद करते हैं, इंप्लॉयज जो आपके बिजनेस से जुड़ते हैं, क्योंकि आपने उनको अपने वर्क प्लेस में जिस जगह पे बिजनेस सेटअप किया है आप उनका पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान कैसे रख सकेंगे ये देखते हैं। लिखा है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग प्लेस, आप जो वर्किंग प्लेस है उसको अच्छा रखिए, मतलब हेल्दी रखिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइट लगाइए, अगर बहुत अंदर में हीट होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगाइए कूलिंग सिस्टम, ताकि वर्कर काम करते करते आपको गर्मी लगती है तो वर्कर्स को भी गर्मी लगती है, तो उनके कूलिंग की कुछ वहाँ पे आप व्यवस्था करिए। अगर अंदर बहुत स्मोकी एरिया है तो एग्जॉस्ट लगवाइए बड़े बड़े, ताकि गंदा जो धुआं है वो बाहर निकल सके। उनके पीने के पानी की सही व्यवस्था कराइए, उनके लिए भी अच्छी चेयर लगवाइए, वो भी अच्छे से बैठना चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग है यार, बस ये फर्क ये कि थोड़ा आप ऊपर लेवल में हैं, थोड़ा नीचे लेवल में हैं, तो एकदम बढ़िया एक नंबर का वर्किंग प्लेस उनके लिए बनवाइए। जब वर्किंग प्लेस अच्छा होगा, जिस चीज़ को यूज़ करेंगे वो देखेंगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे बॉस ने हमें दिया है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक बिलोंगिंगनेस आएगी आपके लिए, और वो आपके बिजनेस में ईमानदारी से जुड़े रहेंगे और हेल्दी वे में काम करेंगे, खुश रह के काम करेंगे। कॉम्पिटिटिव सैलरी, उनको जो सैलरी दीजिए ना वो कम से कम इतनी दीजिए कि वो अपनी फूड क्लोथ शेल्टर रोटी कपड़े मकान की बेसिक नीड को पूरा कर सके। साथ में आपको ध्यान ये भी रखना है कि कॉम्पिटिटर जो है, जो आपके बिजनेस आप कर रहे हैं ना, सेम नेचर का बिजनेस एक दूसरा भी तो कर रहा है, ऐसे हजारों लोग कर रहे हैं, तो अगर वो जितनी सैलरी दे रहे हैं अगर आप उससे कम सैलरी देंगे तो वर्कर आपका बिजनेस छोड़ के उसके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वहां उसको 100, 200, 300 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। उतना आप देना शुरू कर दीजिए तो आप कॉम्पिटिटर के बराबर सैलरी भी देंगे, आप अपने एम्प्लॉयज को खुश भी रख पाएंगे, और वो सेटिस्फाई एम्प्लॉय बिजनेस में रहेगा ना तो आपके बिजनेस को यहां से वहां ले जाएगा, और बस थोड़ा सा आपको इजाफा कर देना है उसकी सैलरी में। पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉई है, आज से 10 साल पहले वो प्यून ही था आपके बिजनेस में और 10 साल बाद भी वो प्यून ही है, मतलब आपने उसके साथ कर दिया काम तमाम। पर्सनल ग्रोथ का मतलब होता है कि आपको उसको मल्टीटास्किंग कर देना, उससे थोड़े थोड़े टाइम के बाद में अलग अलग वर्क कराने हैं, और आपको उसको मल्टी टैलेंटेड बना देना है, ताकि कई बार किसी एक सेगमेंट में अगर कोई एम्प्लॉई एबसेंट है तो जिसको आपने मल्टी टैलेंटेड बनाया था, सबको ही बनाना है, तो जिसको आपने बोला कि नहीं आज तुम उस यूनिट में काम नहीं करोगे, आज तुम यहां काम करोगे, तो आपका देखिए कैसे काम पूरा हो गया, कि जो उस जगह का वर्कर था आपने उसको ये भी काम सिखाया था तो यहां के भी काम कर सकेगा। कि सिर्फ एक काम को नहीं सीखना है, उसको बहुत सारे काम सिखाते चले जाइए, हर फील्ड में उसको मास्टर बना दीजिए और उसका प्रमोशन करते रहिए। ऐसा नहीं कि वो प्यून था 10 साल पहले, उसको धीरे धीरे प्रमोशन करिए। जब आप ऐसा करते हैं ना तो उस इम्प्लॉई का तो मोटिवेशन होता ही है, वो तो लगता है उसको कि नहीं मेरे लिए ये बिजनेस कुछ कर रहा है। इसके अलावा जो बाकी इम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बाकी वर्कर्स होते हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि देखो यार अच्छा काम करने से ना प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, आपका रैंक बढ़ जाती है। ऐसा करते रहेंगे, करेंगे कुछ लोगों के साथ में, और आपको फ़ायदा बहुत सारे इम्प्लॉयज़ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तो लाखों इम्प्लॉयज़ काम करते हैं यार, तो जब वो देखते हैं कि प्रमोशन होता है हार्डवर्क करने से, अच्छा करने से, तो पर्सनल ग्रोथ करते रहिए वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की, और ऐसा करने से आपका ही बेनिफिट है। पे रिकग्निशन, वर्कर्स काम कर रहे हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वर्कर्स, आप उसको मतलब ठीक है जब वर्क कर रहा है तो तब तक आप उसके बॉस हैं, वो आपका सबॉर्डिनेट है, लेकिन उसके अलावा आपको उसके पर्सनल चीज़ों का भी ध्यान रखना है ना। कई बार आप उससे पूछे और कैसे हो, क्या कर रहे हो, सोशल होता है जो इन्वायरमेंट होता है उसमें आप उससे हंसी मजाक भी कर सकते हैं, आप उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपको उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, हर टाइम आपको ईगो में नहीं रहना है कि नहीं मैं बॉस हूँ, मैं उससे कैसे बात करूँगा, ऐसा मत करिए। और लास्ट है स्पेशल बेनिफिट, उसने स्पेशल बेनिफिट दीजिए। आपके फैक्ट्री में आपका एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, आप उसके एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से स्कूल बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो वहीं पे फ्री में, उनके जो एम्प्लॉई है उससे रिलेटेड जितने लोग हैं सब वहाँ फ्री में इलाज करा दें। जो एम्प्लॉई है उसके बच्चे आपके फैक्ट्री में पूरा पूरा दिन दे देते हैं, तो उनके बच्चों के लिए आप फ्री में उनके एजुकेशन की व्यवस्था कर दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, कुछ नॉमिनल पैसा भी ले लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें करिए, उनका फ्री में इंश्योरेंस करवा दीजिए। ये स्पेशल बेनिफिट देख के भी, इस लालच में भी बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, भले आप उन्हें कम सैलरी दे रहे हैं और आपके बिजनेस में मन से काम करेंगे, अच्छे
से काम करेंगे और बिजनेस को यहां से यहां ले जाएंगे, टॉप में ले जाएंगे, तो बेनिफिट मिल पाएगा। जब आप सोसाइटी का, अपने बिजनेस का और ह्यूमन बींग जो वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, सबका ध्यान रखेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स है। इसके अलावा रोल ऑफ प्रॉफिट है। मैंने आपको प्रॉफिट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस के इस पूरे फॉर्मूला में अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस का मतलब ही नहीं, बिजनेस हो ही नहीं रहा। तो प्रॉफिट ज़रूरी है। और रोल, मतलब क्या रोल दिखा रहा है प्रॉफिट अपना, वो देखते हैं। पहला है इकोनॉमिक रोल, जो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक रोल क्या होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, आप समझ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, जब आप प्रॉफिट कमाएंगे ना तो बिजनेस में आप जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बनेगा बिजनेस के लिए। अरे यार ये बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब इसमें कोई तो बात है, ये कौन बोल रहा है, ये कस्टमर बोल रहा है। नहीं यार ये बिजनेसमैन ठीक है, ये ह्यूमन जो वांट्स है, नीड है, उसको सेटिस्फाई करता है और ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को पूरा करता होगा, तभी तो लोग उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस में सिर्फ आपके प्रॉफिट को देख के जुड़ जाएंगे, उनको लगेगा नहीं यार बिजनेस में कुछ बात है तभी इतना प्रॉफिट कमा रहा है, लोगों को क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करता है, रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करता है, मिलावट नहीं करता है। तो रोल है ये प्रॉफिट का, और जितना ज्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी बनेगी। जब प्रॉफिट ज्यादा आप कमाएंगे ना तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, और जब ग्रो कर जाएगा तो एफिशिएंसी का सिंबल है। आपको अगर लोन चाहिए मार्केट से तो कोई भी आसानी से लोन दे देगा कि भाई ये तो काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा है, इसको लोन दे दो, ये अपने प्रॉफिट में से लोन का पेमेंट कर देगा, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगा। मार्केट में बहुत अच्छा एक आपका लिए रेपुटेशन बन जाती है अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो। रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क, भाई बिजनेस कर रहे थे, इतना सारा आपने यहाँ पे ढो रहे हैं, आप रिस्क को ढो रहे हैं, बहुत सारा रिस्क के बारे में आपको बताया है, और उस रिस्क को लेने के बदले कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना, तो इनाम जो है वो प्रॉफिट ही है। जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो उसका रिवॉर्ड है कि प्रॉफिट आपके बिजनेस में होगा, और प्रॉफिट होता जाएगा, बिजनेस बढ़ता चला जाएगा और इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा कि अब आपको परेशान नहीं होना है, बहुत खुश हो गए आप। और लास्ट है हेल्प्स टू गेन गुडविल। अब आपका नाम चलता है, बिजनेस चल रहा है, लोगों का दिल आपने जीत लिया, विश्वास आपने जीत लिया, आप उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, बिजनेस एक फ्लो में आ गया, आप बिजनेस कर रहे हैं ना, बस चल रहा है, आपके नाम से चल रहा है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत कर ली है बिजनेस को प्रॉफिट में, सर्वाइवल में, ग्रोथ में, कस्टमर का दिल जीतने में, उनके सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ों को बना के उन तक रीजनेबल प्राइस पर पहुँचाने में। तो आप कस्टमर के ऊपर एक ट्रेडमार्क बन गया आपका, एक मतलब ब्रांड इमेज आप बना चुके हैं, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और गुडविल बन गई। और एक बार गुडविल बन गई तो ज़्यादा मेहनत बिना किए भी आप बहुत बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस इतना ही पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। इस वीडियो को देखिए, समझिए, कहीं दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, और लगातार मेरे साथ बने रहिए। लगातार मैं अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज क्लास 11 12th के वीडियोस बनाता रहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।